रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग या केराटिन, और भी बहुत से हेयर ट्रीटमेंट्स आते हैं। ये सब करवाने का मन तो बहुत करता है, बट जब हम इसकी कॉस्ट सुनते हैं तो थोड़ा दिमाग घूम सा जाता है। पहले तो इसको करवाने में इतना खर्चा है, दूसरा उसको मेंटेन करने में उससे भी ज़्यादा खर्चा है। खैर, हम करवाने की कॉस्ट तो कम नहीं कर पाएंगे, बट हम आफ्टर केयर की कॉस्ट कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसी हेयर केयर रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी कॉस्ट लिटरली हाफ होगी बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, और वो क्वालिटी भी वही टॉप देगी बाकी प्रीमियम ब्रांड्स की तरह। उसी रेंज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज रोहित सचदेवा। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस हेयर केयर रेंज की बात करेंगे वो है बाय स्ट्रीक्स प्रोफेशनल। इसमें वही तीन आइटम्स आती है जो बाकी ब्रांड्स में आती है। एक आता है इसका शैम्पू, कैनवोलाइन शैम्पू। सेकंड आता है इसका कैनवोलाइन कंडीशनर, और थर्ड आता है इसका कैनवोलाइन हेयर सीरम। इसकी कॉस्ट लिटरली हाफ है, फाइनल प्राइस हम आपको एंड में बताएंगे। ये जो रेंज है ये आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो, यहाँ तक केराटिन में भी। उसका मेन रीजन ये होता है कि ये एक सल्फेट फ्री रेंज है, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है। तो जैसे कि कहा जाता है कि केराटिन में अगर आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज करते हो तो वो फेड हो जाती है, या जब आप हेयर कलर करवाते हो तो वो फेड हो जाता है अगर उस शैम्पू या हेयर केयर में सल्फेट हो। इस हेयर केयर रेंज में सल्फेट नहीं है, तो ये आपकी लाइफ भी बढ़ाएगा और आप ये बाकी दोनों हेयर ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि रिबॉन्डिंग हो गया या स्मूदनिंग हो गया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको कोई भी शैम्पू या कंडीशनर क्यों रिकमेंड किया जाता है आफ्टर स्ट्रेटनिंग, नॉर्मली तो नहीं किया जाता। उसका मेन रीजन ये होता है जब आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो, आपके बालों में एक केमिकल डाला जाता है जिससे आपके बाल स्ट्रेट आपको नजर तो आते हैं बट डैमेज बहुत सारा होता है। तो कोई भी जो हेयर केयर आपको रिकमेंड किया जाता है वो डैमेज रिपेयर वाला किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर रेंज है स्ट्रीक्स की, ये एक डैमेज रिपेयर रेंज है। इसका काम ये होता है कि जो भी आपके बालों में डैमेज हुआ है ये उसको रिपेयर करती है, और रिपेयर करके उस ट्रीटमेंट की लाइफ बढ़ाती है। आपको वही सेम लुक ये देने का काम करती है फॉर अ लॉन्ग टाइम जो आपको डे वन पे मिल रही थी। इसकी जो पूरी रेंज है ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है, तो इसमें पर्टिकुलरली कोई केमिकल नहीं है, बट जो केमिकल आपके बालों में ऑलरेडी जा चुका है फॉर गिविंग यू दैट स्ट्रेटर लुक, या आपके बालों को जो भी एक नरिश्ड लुक दे रही है वो केमिकल निकल ना जाए, उसके लिए ही ये रेंज रिकमेंड की जाती है। इस रेंज के अंदर एक केराटिन प्रोटीन होता है, वो आपके हेयर्स में प्रोटीन बूस्ट कर देता है और आपके हेयर्स से जितना भी डैमेज होता है उसको रिपेयर कर देता है। इसके साथ साथ ये जो रेंज है आपके बालों में हेयर फॉल भी कम करती है। अगर आप इसको रेगुलर यूज करते रहें आपके बालों में हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट यूजुअली लोगों को फेस करना ही पड़ता है। ये उसमें भी आपको हेल्प करती है। इसके साथ साथ ये आपको स्मूदर, शाइनी और बाउंसी लुक देने का तो काम करती ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैनवोलाइन के शैम्पू के बारे में। इस शैम्पू का काम होता है आपके बालों को जेंटली क्लीन करना, और साथ साथ ये मेंटेन करना कि जो ट्रीटमेंट आपके बालों में हुआ है वो फेड ना हो जाए, जैसे कि केराटिन या हेयर कलर या कोई भी और ट्रीटमेंट आपने कराया है, ये उसको फेड नहीं होने देता और आपके बालों को जेंटली क्लीन करता है और नरिश रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंडीशनर की। इसके कंडीशनर का काम होता है आपके बालों को डीटैंगल करना और आपके बालों को शाइनी लुक देना। बेसिकली जो लुक आपको डे वन पे मिल रही है वो लुक को मेंटेन करना, और आपके बाल अगर अड़ेंगे कम तो टूटेंगे भी कम। फाइनली हम बात करते हैं इसके हेयर सीरम की। इसका हेयर सीरम बहुत बढ़िया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है विटामिन ई। उसके साथ साथ ये बिल्कुल ही लाइट वेट फॉर्मूला है और नॉन स्टिकी है। जब आप इसको लगाएंगे आपको बिल्कुल भी एक ऑयली फील नहीं आएगा, ये वॉल्यूम कम नहीं करेगा आपके बालों की, बट एक शाइनी लुक देगा आपको, लस्ट्रस लुक देगा। आप जब कोम करेंगे आपको ऐसा फील होगा जैसे आप अभी अभी ट्रीटमेंट करा के आए हैं। जब ये पूरी हेयर केयर रेंज आप यूज करेंगे आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप जस्ट सैलून से आए हैं ट्रीटमेंट करवा के। ये तीनों रेंज आपकी एक वही वाली लुक देने में हेल्प करती है। अब जब हम पूरी डिटेल जान ही चुके हैं, बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। प्राइसिंग हम किसी भी ब्रांड से अगर कंपेयर करें, चाहे आप लॉरियल से कंपेयर करो या किसी से भी, ये बहुत अफोर्डेबल है। इसके जो शैम्पूज आपके सामने रखे हैं 250 ml ऑफ साइज है। इसके शैम्पू का प्राइस है 350 रुपीज, इसके कंडीशनर का प्राइस है 380 रुपीज, और जो ये आप हेयर सीरम देख रहे हैं ये 100 ml क्वांटिटी में है। सीरम की क्वांटिटी कंपेरेटिवली कम लगती है शैम्पू और कंडीशनर के मुकाबले। इसका प्राइस है 385 रुपीज। अगर आप ये हेयर केयर रेंज ट्राई करना चाहें या ऑर्डर करना चाहें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको ऑर्डर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप हमारा स्टोर विजिट करना चाहें तो गूगल मैप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं स्टोर में और खुद परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर सचदेवा, गुड बाय।